दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में वो बताएंगे एल्प्रेक्स टैबलेट के बारे में। एल्प्रेक्स टैबलेट की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, यानी कि इसके अंदर कौन सा कॉम्पोजिशन होता है और वो कौन से कैटेगरी में दवा आती है, क्या इसके ब्रांड नेम रहते हैं और ये कितने टाइम तक नींद लाती है और क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, मतलब ये कैसे काम करती है आपके शरीर में जाकर और क्या इसके यूजेस रहते हैं, वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसके साइड इफेक्ट और डोज। तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक बने रहें। अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आप इस टैबलेट के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ गाइस। तो एल्प्रेक्स टैबलेट के अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है, जो साइड होता है, उसके अंदर वो होता है एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम जो है वो बिलोंग करता है बेंजोटाइजिपिन ग्रुप से। एल्प्रेक्स जो है गाइस ये इसका ब्रांड नेम होता है जो कंपनी द्वारा इसको दिया गया है और इसको जो मैन्युफैक्चर किया है वो टोरेंट फार्मा द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। टोरेंट फार्मा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है और ये जो आता है मार्केट में 15 टैबलेटों का स्ट्रिप आता है गाइस। और इसके प्राइस जो डिपेंड करती है वो इसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। आप किस स्ट्रेंथ की टैबलेट खरीद रहे हैं तो उसके हिसाब से ये आपको मिल जाती है। और ये जो है शेड्यूल एक्स में आने वाली दवा होती है, तो शेड्यूल एक्स में अगर ये आती है तो इसका मतलब ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी आपको। अगर आप जाएंगे भी मेडिकल स्टोर पर खुद से तो ये आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें जरूरत होगी डॉक्टर के पर्चे पे ही आपको दवा मिलेगी। तो आप गाइस इसके सब्स्टिट्यूट की नाम बात करें, मतलब ये अगर आपको एल्प्रेक्स नाम से नहीं मिलती और नाम से इसको डॉक्टर लिख सकते हैं तो हिपोस टैबलेट और टैक्सी डेप टैबलेट, जोमार्क टैबलेट, एकोप्रेक्स टैबलेट और जैपीमैक्स टैबलेट, ये इन नामों से हटकर भी आपको किसी और नाम से मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर कि वो कौन सी ब्रांड लिखते हैं। तो गाइस ये इसके सब्स्टिट्यूट नाम थे। अब बात करते हैं इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन की, मतलब ये कितनी देर बाद, जैसा आपने अगर अभी टैबलेट ली तो कितनी देर बाद ये असर चालू करती है अपना देना। तो ये आपको एक घंटे में नींद लाने लगती है, मतलब आपने अभी से लिया तो इसके एक घंटे बाद आपको असर दिखने लगेगा इसका। इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें, मतलब कितने टाइम तक ये आपको सुलाएगी, कितने टाइम तक इसको लेने के बाद नींद आएगी, तो ये 6 से 7 घंटे तक इसको लेने के बाद नींद आती है। 6 से लगाकर 7 घंटे तक नींद आती है। बाकी जो डिपेंड करता है वो इसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि मतलब कितने स्ट्रेंथ की, कितने एमजी में ये टैबलेट ली है आपने। अब इसकी हाफ लाइफ की बात करें, मतलब ये कितनी देर तक बॉडी में रहती है, तो ये 11 से लगाकर 12 घंटे तक आपकी बॉडी में रह सकती है, वो इसकी हाफ लाइफ होती है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी की बात करें गाइस, तो ये 80 से 90% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। बायोअवेलेबिलिटी किसी और वीडियो में हम समझेंगे, सेपरेट वीडियो में क्या होती है बायोअवेलेबिलिटी। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं अब दोस्तों। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि ये आपके शरीर में जाकर काम कैसे करती है, तो ये जो है ब्रेन में यानी कि दिमाग में जाकर काम करता है। जो ब्रेन में गावा रिसेप्टर होता है, गावा रिसेप्टर के एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देता है, सप्रेस कर देता है, जो रोक देता है यानी कि, जिससे कि पेशेंट को नींद आने लगती है। तो ये इसके काम करने का तरीका होता है। अब गाइस इसके यूजेस की बात करें, इसके क्या यूज होते हैं, तो इसके जो यूज होता है एंजाइटी मतलब चिंता है, तनाव है, नींद नहीं आ रही है, उसकी वजह से आपको उस कंडीशन में ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है आपके डॉक्टर द्वारा। और यदि कोई व्यक्ति है जो कि नशा छोड़ता है, तो जब वो नशा छोड़ता है तो उसकी पूरी बॉडी पेन करती है और उसको तलब लगती है, उसको पूरी पूरी रात उसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में भी ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है आपके डॉक्टर द्वारा। और घबराहट बनी हुई है, घबराहट एंजाइटी हो रही है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। और इसके अलावा पैनिक अटैक मतलब अचानक से डर लगने लगता है उसको, तो उस कंडीशन में भी टैबलेट दिया जाता है, तो उसको भी ठीक कर देता है। इसके अलावा जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो सर्जरी में उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है। हालांकि उसमें दर्द की दवाइयां चलती हैं दोस्तों, बट कभी कभार उसको दर्द बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है नींद लाने के लिए उसको, ताकि वो आसानी से सो सके आपके डॉक्टर द्वारा। और इंसोमनिया मतलब आपको नींद नहीं आ रही है, लोड रहता है आपके ब्रेन में, सोते समय भी आप सोचते रहते हैं, पूरी पूरी रात सोचते रहते हैं, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है तो ठीक कर देता है। अब इसके सावधानियों की बात करें गाइस, मतलब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कौन कौन इसको नहीं ले सकता या क्या क्या किन किन बातों का ध्यान में रखना होता अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो इसको लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करें, किसी भी हैवी मशीन का कोई भी काम ना करें। और याद रखें गाइस, अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसको लेते टाइम या लेने से पहले, लेने के बाद में कोई भी अल्कोहल का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें, उससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और एलर्जिक है इसी को, यदि कोई इस दवा से या फिर इसकी ग्रुप वाली दवाओं से, बेंजोटाइजिपिन ग्रुप की जितनी भी दवाएं होती है उनसे कोई एलर्जिक है या फिर एल्प्राजोलम से एलर्जिक है तो वो भी इस दवा को ना ले। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसको नहीं दिया जाता और
किडनी डिसीज है किसी को, तो भी उस कंडीशन में ये टेबलेट नहीं दी जाती। तो इसे डेली ना ले गाइस, अगर डेली आप लेते हैं तो इसकी आदत पड़ सकती है, एडिक्ट हो सकता है पेशेंट इसका। तो ये जो है डॉक्टर ने जितने दिन आपको बोला है लेने के लिए उतने दिन तक इस टेबलेट को लिया जाए, और गाइस इसका कोई भी मिसयूज ना करें। तो ये हमने आपको सावधानियां बताई इसकी। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें गाइस, तो इसके साइड को कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसको ले रहे हैं तो। ब्लर विजन यानी कि धुंधला दिखाई दे सकता है आंखों से, पेट दर्द हो सकता है, पसीना आ सकता है, और वेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये भी इसके साइड इफेक्ट में आता है, मतलब वजन आपका कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, और लो सेक्सुअल डिजायरनेस हो जाएगा। तो ये इसमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप इस दवा को रोकें और अपने डॉक्टर को बताएं जिन्होंने भी आपको ये दवा लिखी है। तो ये हमने आपको पूरी जानकारी अल्प्रेक्स टैबलेट के बारे में दी है गाइस। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस दवा के बारे में नॉलेज हो सके, इसका मिसयूज होने से बच सके। तो ऐसे ही हम इस चैनल पर दवाइयों से रिलेटेड जानकारी देते हैं काफी सरल भाषा में और शॉर्ट भाषा में, ताकि आपका टाइम भी बच सके और आपको आसानी से समझ में भी आ सके। तो थैंक यू सो मच।